नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चार्ट एंड ट्रेड में। मैं विकास। आज आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दूंगा। आज आपसे मैं एक ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, बट थोड़ा सा अपने रिकैप कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी उतना ही इंपॉर्टेंट है मार्केट का ट्रेंड और डायरेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था कि निफ्टी के लिए 15,900 का एक जो जोन है, ये एक वाइटल जोन है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर बंद नहीं करता है तो थोड़ा ये वापस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जैसा कि हुआ भी वैसे ही। निफ्टी 28 जून को ऊपर खुला, 915.65 को ओपन आई पे निफ्टी फ्यूचर खुला, एंड आफ्टर डैट धीरे 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 सपोर्ट्स के पास वापस आ गया। आप जैसे देखोगे आवर्ली चार्ट में बहुत अच्छा पैटर्न है, रेजिस्टेंस से आके नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है। तो निफ्टी का ये जो सपोर्ट जोन है 15,700 to 730, ये अभी आपके लिए बहुत वाइटल है। अगर निफ्टी इस निफ्टी फ्यूचर अगर इस रेंज में मिलता है, 730-740 के रेंज में मिलता है, तो 680-690 का स्टॉप लॉस डालिए, लॉन्ग करिए अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 15,900 and 900 अबव। वी विल डेफिनेटली सी अ स्पाइक अबव दिस हाई विद इन अ फ्यू डेज। द टारगेट ऑफ निफ्टी इज अराउंड 16,200-16,300 इन ए कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस और ए कपल ऑफ वीक्स। ओके, अब क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी आपकी मैं डेली चार्ट दिखा देता हूँ पहले। आप जैसे देखोगे मैंने क्लियरली बैंक निफ्टी का वीडियोस जिन्होंने देखा होगा, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी ये 36,000 के ऊपर सस्टेन किया तो वी विल सी फर्दर रैली टूवर्ड्स 36,500 to 37,800। बट अगेन ऑन 28 जून इट मेड ए स्पाइक हाई ऑफ 35,990 एंड रिट्रेस टू इट्स सपोर्ट्स जो 35,000। बैंक निफ्टी में भी 35,000 का एक वाइटल सपोर्ट है, 20 SMA है एंड फिबोनाची का 34,948 का लेबल्स है। तो दिस लेबल्स आर इम्पोर्टेंट लेबल्स, वी विल वॉच आउट फॉर दिस लेबल। आप बैंक निफ्टी में करंट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, जस्ट कीप ए स्टॉप लॉस एट अराउंड 34,900 फॉर ए बाउंस बैक टारगेट ऑफ 35,400 to 500 एंड मे बी 35,800। ओके, बट आज जो मैं जिस स्टॉक के मैंने बात करना चाहता हूँ वो है इवाशी मोटर, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स इन रिसेंट फ्यू डेज। आई एम राइडिंग द ट्रेंड, मैं इसको कंटिन्यूसली 350 से बोलते हुए आ रहा हूँ। अ वेरी गुड कंपनी टेक्निकल, फंडामेंटल्स मैं नहीं बोलूंगा, बट टेक्निकली ए वेरी गुड चार्ट पैटर्न एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद द कंपनी। आप जैसे डेली चार्ट में देखोगे आफ्टर मेकिंग ए हाई ऑन 11th May ऑफ 528-29 लेवल्स, इट रिट्रेस्ड टू टेस्ट इट सपोर्ट जोन ऑफ 420 इन जून, एंड आफ्टर दैट इट हैज अगेन यस्टरडे ट्राइड टू गो पास दिस हाइस। ओके, नाउ जस्ट इट्स अ डबल टॉप फॉर्मेशन एंड वी आर विटनेसिंग इन मेनी स्क्रिप्ट्स कि जिसमें भी डबल टॉप के फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये डबल टॉप टूट रहा है तो वी आर सींग एन एक्सटेंडेड रैली। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट आप जैसे देखो नाउ सी वीकली चार्ट इज शोइंग अ जोन ऑफ 600 to 690। इट इज़ पॉसिबल इन इग्राशी मोटर क्योंकि वीकली चार्ट में 200 EMA के ऊपर ब्रेकआउट दे के नियर टू सपोर्ट को टेस्ट करके, या वीकली चार्ट में MACD भी अच्छा है, इट इज टेस्टिंग अराउंड दिस लेवल्स। ओके, मंथली चार्ट इज ऑल्सो गुड। आप देखोगे आफ्टर ए फॉल फ्रॉम 1000 लेवल टू अराउंड 160 odd levels, it bounced back and it has given a good bounce. Okay, monthly chart mein resistance hai apne 576 ka minimum and after that we are witnessing a target of 799, to but wo bahut lamba ho jayega. To let us switch on to our weekly charts. Ab jaisa weekly chart pe dekhoge support lies on these levels, 470 odd levels. This is the vital support zone for Igrassi Motor right now. And we can witness a target of 575 to 600 in a few trading sessions. Okay. तो आप इग्रासी मोटर पे जैसे ही ये डबल टॉप टूटता है ना 528-29 का, जस्ट गो लॉन्ग
एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 505 रुपीज़ का, एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ टारगेट ऑफ 556, 575 एंड 600। ये था इग्रासी मोटर का एनालिसिस दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।